हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो आज हम सीखेंगे सादा ब्लाउज कटिंग। इस ब्लाउज की कटिंग में मैं आपको बेल्ट निकालने से लेकर चेस्ट पॉइंट निकालना, मार्किंग करना और बाजू की कटिंग करना, एनीथिंग मैं बताने वाली हूँ। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बने रहिएगा वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह हमारा फैब्रिक है, इसको हम 4 लेयर में फोल्ड करेंगे। पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन घंटे को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो इस तरह से हम कपड़े को 2 बार फोल्ड करेंगे, लंबाई की तरफ से फोल्ड करेंगे, फिर दूसरे भाग को भी अपनी तरफ ला कर फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से 4 बार हो जाएगा ये। इसमें हम एक ही साथ आगे और पीछे दोनों पल्ले निकालेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल स्टेप है, इसे देखने के बाद आप बार बार वीडियो देखने नहीं जाएंगे किसी वीडियो के ऊपर सादा ब्लाउज कटिंग करने के लिए। तो इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। एक कपड़े को हम 1.5 इंच बड़ा रखेंगे और एक को 1.5 इंच कम रहेगा। लंबाई ले लेंगे हम 14 इंच ब्लाउज की और शोल्डर 5.5 इंच लेंगे, आर्म होल भी 5.5 इंच लेंगे हम। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। पहले हम 1 इंच गुलाई देंगे गहराई में, 1 इंच का गुलाई दे देंगे। कमर का मैं अभी माप नहीं निकाल रही हूँ, जो जो चेस्ट की हमारी भाग है उसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। इस तरह से आप निकाल सकते हैं मार्किंग करके। ये 34 साइज है ब्लाउज की, तो 34 के 4th भाग करके हम निकालेंगे चेस्ट अपना। तो उसका 34 का हाफ करेंगे तो 8.5 इंच होगा। 8.5 इंच के अकॉर्डिंग मैं निकाल रही हूँ। इस तरह से मार्किंग कर लेंगे हम। आगे की गले की हम लंबाई रखेंगे 6 इंच और पीछे की लंबाई रखेंगे गले की 9 इंच। तो इस तरह से एक ही पल्ले के ऊपर हम मार्किंग कर लेंगे। 2.5 इंच की गहराई लेंगे चौड़ाई और इसको सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से आगे और पीछे दोनों गले को एक ही साथ मार्क कर लेंगे हम। अब इसको हम कटिंग करेंगे। ध्यान से देखिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, समझ में नहीं आएगा नहीं तो। बहुत ही इजी स्टेप बता रही हूँ मैं आप लोगों को। अब मैं क्या करूँगी, छोटे गले को पहले काटूँगी, बड़े गले नहीं काटेंगे। पहले छोटे वाले गले से स्टार्ट करेंगे कटिंग करने को। तो इसको पहले निकाल लेते हैं अच्छे से, इसको पहले कटिंग कर लेंगे। ये हमारी कटिंग हो गई साइड से। अब हम ऊपर के पल्ले को पकड़ के बैक पर गले को भी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर जो हमारी डॉट आती है 4 इंच का गैप लेते हुए, इसको डॉट का निशान भी लगा लेंगे। अब निकालेंगे हम 9.5 इंच पर अपना चेस्ट पॉइंट और वहाँ से हम 1.5 इंच का गैप डालेंगे 4 टॉक के लिए। याद रहे, साइड से हमको मार्किंग नहीं करना है, बीच से करना है, बिल्कुल बीच से। सेंटर में हमें पहले पॉइंट बनानी है चेस्ट की, उसके बाद हम पॉइंट निकालेंगे। अब यहाँ से हम सीधी लाइन लगा लेते हैं, जितना भी हमारा डॉट का जो मार्किंग होता है वहाँ से हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। ये 4 डॉट ब्लाउज हो गया। इसमें बेल्ट नहीं डालेंगे तो भी ये बहुत ही परफेक्ट बनेगा। इसकी जो नीचे की जो लाइन है वहाँ से हम 2.5 इंच का डॉट डालेंगे और पूरे साइड से 1/2 इंच का डॉट डाल लेंगे। आर्म होल में 1/2 इंच की गहराई दे देते हैं गोलाई इस तरह से मार्क करके। अब हम इसमें बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो अपनी बंद वाली भाग से हम नीचे से 3.5 इंच लेंगे और जो हमारी साइड की पार्ट होगी वहाँ से 2.5 इंच लेंगे। तो बेल्ट के लिए जो हमारी ये डॉट नीचे आई है उसको 1 इंच हम ऊपर कर लेंगे। इस तरह से ऊपर होने के बाद अब इसे तिरछी लाइन लगाते हुए मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमारी मार्किंग हो गई कंप्लीट। ये हमारा देखिए बेल्ट ब्लाउज बिल्कुल रेडी हो गया मार्किंग हो के। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। अगर इतना देखने के बाद भी अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट जरूर कीजिए हमें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब हम निकालेंगे अपना बाजू। ये हमारा 4 फोल्ड में है कपड़ा ऑलरेडी, तो इसको अच्छे से थोड़ा हम सेट कर लेते हैं, सामने से बराबर मिला लेंगे। उसके बाद इसकी हम लंबाई लेंगे। लंबाई हमारी 6 इंच है, बराबर हम 6 इंच पर रख रहे हैं।
और इसकी चौड़ाई है हमारी जो आर्म होल की फिटिंग होती है वो है 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पर हम टिक लगा लेंगे इस तरह से, तो बराबर 7.5 इंच पर टिक लगाएंगे। उसके बाद साइड में ऊपर से नीचे की तरफ 2.5 इंच पर एक टिक लगाएंगे और उसको इस तरह से गोलाई ऊपर से मिला देंगे। फिर मार्जिन के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और हमारी बाजू की जो बॉटम साइज है वो है 12 इंच, तो 12.5 6 इंच ले लेंगे। उसको इस तरह से तिरछे मिला लेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर कीजिए, एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो ये हमारा पूरा पार्ट कटिंग होके रेडी हो गया।